गाइस हेलो जी नमस्ते सत श्री अकाल आदाब क्या चल रहा है। होपफुली सब कुछ अच्छा चल रहा है, मजे में चल रहा है। एंड काफी टाइम बाद मैं लेकर आई हूँ एमसी स्टैंड का वीडियो और इसका लिंक जो है मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर किया था अली रजा खान ने। और ये वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही जो भी मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप लोग भी अपनी रिक्वेस्ट मुझे भेज सकते हो। बस आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना एंड मुझे कमेंट करके बताना कि आप किसके वीडियोस पर रिएक्शन चाहिए है, या आप ये ब्रदर की तरह मुझे इंस्टाग्राम पे लिंक भी शेयर कर सकते हो, डीएम भी कर सकते हो, जैसे आप लोगों को कंफर्टेबल लगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात करनी है कि काफी लोगों को मेरा नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है और आप लोगों की रिक्वेस्ट कंप्लीट भी हो जाती है तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा, तो प्लीज ऑल पे जरूर क्लिक करें, ठीक है। ये भी मुझे एक ब्रदर ने बताया है इंस्टाग्राम पे कि आपके नोटिफिकेशंस नहीं आते हैं, ठीक है। तो आप लोग प्लीज इतनी सी रिक्वेस्ट मेरी माने और ऑल पे जरूर क्लिक करें, ठीक है। और ये वीडियो का ओरिजिनल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, बाकी की बातें करेंगे हम लोग वीडियो खत्म होने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एमसी स्टैंड बॉस की हिस्ट्री में पहला ऐसा रैपर है जो एज अ कंटेस्टेंट एंटर करा। स्टैंड ना सिर्फ बिग बॉस के अंदर गया बल्कि उसने इक्का एंड सीधे मौत के साथ अंदर एक लाइव शो भी परफॉर्म करा। एंड एज अ रिजल्ट ट्विटर पे नेक्स्ट डे हैशटैग एमसी स्टैंड मेकिंग बीएचएच वेंट ट्रेंड करने लगा। सबका मानना है कि इससे इंडियन हिप हॉप सीन को मास ऑडियंस की अटेंशन मिलेगी, बट मैं ऐसा नहीं मानता या नहीं मानता था। इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे कि एमसी स्टैंड के बिग बॉस में जाने से सीन के ऊपर कोई बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा या फिर ये सिर्फ एक रियलिटी शो की हवा है। पर 127 मिलियन व्यूअर्स 36 बिलियन मिनट्स तक देख चुके थे। जीईसी यानी कि जनरल एंटरटेनमेंट चैनल कैटेगरी में टीवी के ऊपर जितने भी टीवी शोज लाइक अनुपमा, द कपिल शर्मा शो, बिग बॉस एक्सेट्रा आते हैं, उनमें से 97% शेयर ऑफ वॉइस या कॉन्वर्सेशन इंटरनेट पे बिग बॉस का था। ऑडियोमैक्स की रेटिंग के हिसाब से बिग बॉस एक नहीं बल्कि 3 बार थर्ड मोस्ट लाइक हिंदी टीवी शो ऑफ द वीक बना। एंड एज पर बीएआरसी नॉन फिक्शन कैटेगरी में करेंटली बिग बॉस नंबर 1 पोजीशन पर है आफ्टर विनिंग ओवर केबीसी, द कपिल शर्मा शो, लिल चैंप्स एक्सेट्रा। इन शॉर्ट मैं ये कह रहा हूँ कि करेंटली बिग बॉस ऑन इंडियन टेलीविजन एंड ऑन सोशल मीडिया हॉट इस टॉपिक है। बट ये तो था बिग बॉस का सर, इससे एमसी स्टैंड के करियर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, लेट्स डाइव इनटू दैट। जब से एमसी स्टैंड बिग बॉस में एंटर करा तब से वो लाइम लाइट में अपने नो नॉनसेंस एटीट्यूड एंड ट्रेंडिंग लुक्स की वजह से वो धीमे धीमे व्यूअर्स के मन में अपनी जगह बनाने लगा। फर्स्ट वीक के अलावा जितने भी वीक्स हुए उसमें एमसी स्टैंड हमेशा ओडोमैक्स बिग बॉस मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर इंडिया लव में हमेशा टॉप 3 पोजीशन नहीं रहा है। इनफैक्ट अक्टूबर मंथ में स्टैंड की पॉपुलैरिटी टेलीविजन के ऊपर इतनी बढ़ गई कि ओडोमैक्स कैरेक्टर इंडिया लव के लिस्ट में स्टैंड टॉप 5 पोजीशन में आ गया, सिक्योरिंग हिज पोजीशन अमंग द पर्सनालिटीज लाइक अमिताभ बच्चन, कपिल शर्मा एंड सलमान खान। इनफैक्ट व्हाइल एडिटिंग दिस वीडियो आई रियलाइज कि एमसी स्टैंड दिसंबर मंथ में भी इस लिस्ट में आ चुका है। लेट्स सी कि इन सबसे स्टैंड के म्यूजिक कैटलॉग के ऊपर क्या फर्क पड़ा। सबसे पहले YouTube के स्टैट्स चेकआउट करते हैं। 1st अक्टूबर जिस दिन एमसी स्टैंड बिग बॉस के घर में एंटर करा उस दिन उसके YouTube पर 2.8 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे। करेंटली एमसी स्टैंड के YouTube के ऊपर 5 प्लस मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, मतलब 2.3 मिलियन सब्सक्राइबर का गेन इन जस्ट 3 मंथ्स। एंड इसका रिपल इफेक्ट ये हुआ कि एमसी स्टैंड स्टार्टेड ट्रेंडिंग एवरीवेयर ऑन YouTube। YouTube म्यूजिक की टॉप 100 सॉन्ग्स इंडिया लव की लिस्ट में एमसी स्टैंड के 2 सॉन्ग्स ट्रेंड करने लगे, बस्ती का हस्ती एट नंबर 49 एंड एक दिन प्यार एट नंबर 82। टॉप 100 म्यूजिक वीडियोस इंडिया प्लेलिस्ट में स्टैंड के 3 सॉन्ग्स ट्रेंड करने लगे। इन 3 गानों में से एक गाना है एक दिन प्यार जो 2 साल पहले आया था, एंड स्नेक 1 साल पहले आया था। एंड माइंड इट कि इस प्लेलिस्ट में वीक के मोस्ट पॉपुलर म्यूजिक वीडियोस को रैंक करते हैं। वैसे स्पॉटिफाई के स्टैट्स इससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग है। स्टैंड के अक्टूबर 1st को स्पॉटिफाई के ऊपर 5 लाख प्लस फॉलोअर्स थे, लेकिन अभी करेंटली स्टैंड के स्पॉटिफाई पे 1+ मिलियन फॉलोअर्स हैं। एंड सेम थिंग हैपेंड विद मंथली लिसनर्स जो बिग बॉस में जाने के पहले करीब 7.5 लाख थे, लेकिन करेंटली 3+ मिलियन हैं। एंड इसकी वजह से स्पॉटिफाई टॉप 50 इंडिया प्लेलिस्ट में स्टैंड के 2 सॉन्ग्स एक दिन प्यार एट नंबर 35 एंड बस्ती का हस्ती एट नंबर 40 बीट करे। माइंड इट कि मैंने यूट्यूब और स्पॉटिफाई की जो प्लेलिस्ट मेंशन करी है उसमें होना बड़ी बात
इसलिए है क्योंकि इसमें रैंक करने के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सॉन्ग्स कम्पीट करते हैं। तो भाई एमसी स्टैन के ये नंबर्स देख के तो मैं बहुत ज्यादा शॉक हो गया और एक पर्सपेक्टिव सेट करने के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना एमसी स्टैन के स्टैट्स को एक मेन स्ट्रीम इंडियन पॉप आर्टिस्ट के स्टैट्स से कंपेयर करा जाए। एंड हु इज मोर मेन स्ट्रीम इन इंडिया दैन टोनी कक्कर। टोनी कक्कर के स्पॉटिफाई के ऊपर अप्रॉक्स 4.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं जो कि एमसी स्टैन के 1.1 मिलियन फॉलोअर्स से 4 टाइम ज्यादा है। बट लास्ट 30 डेज में एमसी स्टैन के स्पॉटिफाई के ऊपर आए हैं 30 प्लस मिलियन स्ट्रीम्स जो कि टोनी कक्कर के 8.6 मिलियन स्ट्रीम्स से अप्रॉक्स 4 टाइम ज्यादा है। मतलब एमसी स्टैन ने टोनी कक्कर के 1/4x फॉलोअर्स लेके भी टोनी कक्कर से 4x टाइम्स ज्यादा स्ट्रीम्स गेन करी। सो व्हाट इज माय पॉइंट हियर, द पॉइंट इज कि बिग बॉस की वजह से एमसी स्टैन के रीच के ऊपर एक बही मौत इंपैक्ट पड़ा है। हिज नंबर्स आर नाउ शिफ्टेड फ्रॉम कंपीटिंग विद इंडियन हिप हॉप आर्टिस्ट टू सम ऑफ द बिगेस्ट एंड मासी पॉप आर्टिस्ट ऑफ इंडिया। नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन इज कि क्या बिग बॉस की वजह से एमसी स्टैन के करियर को जो सक्सेस मिली है वो इंडियन हिप हॉप को भी मिलेगी। लेट्स डिस्कस सम ऑफ द डेवलपमेंट जो एमसी स्टैन के बिग बॉस में जाने से हुए हैं। मानो या ना मानो, अभी भी मोस्ट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन को रैपर वर्ल्ड का मतलब नहीं पता है। मोस्ट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन के माइंड में रैपर की वही इमेज है जो मीडिया ने बना रखी है। बट बिग बॉस में एमसी स्टैन के जाने की वजह से आज घर घर में रैपिंग और रैपर का कॉन्सेप्ट पहुंच चुका है। मासेस को अभी भी भले ही हिप हॉप क्या होता है ये ना पता हो, लेकिन रैपर क्या होता है ये एमसी स्टैन की वजह से पता चल गया है। किसी भी म्यूजिकल जॉनर को ग्रो होने में सबसे बड़ा हाथ यूथ का होता है, भले वो 60s में रॉक म्यूजिक हो या फिर अर्ली 2000 में हिप हॉप हो, उसको सबसे पहले यंग जनरेशन ने ही अडॉप्ट करा था। बिग बॉस के यंग व्यूअर्स एमसी स्टैन से उसकी एज और उसकी पर्सनैलिटी की वजह से रिलेट करते हैं। एंड ये व्यूअर्स जो पहले हिप हॉप नहीं भी सुनते थे ये एमसी स्टैन का म्यूजिक सुनने लगे हैं। एंड ये एमसी स्टैन के यूट्यूब एंड स्पॉटिफाई के ग्रोथ से साफ दिखता है। एंड बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये यंग व्यूअर्स एमसी स्टैन के म्यूजिक के साथ और भी नए नए इंडियन हिप हॉप आर्टिस्ट के म्यूजिक को एक्सप्लोर करेंगे और उसको एक दूसरे में शेयर करके सीन को ग्रो करने में हेल्प करेंगे। एमसी स्टैन की बिग बॉस में इमेज एक बहुत ज्यादा रिच रैपर की है, भले वो उनकी महंगी चेन्स हो या एक्सपेंसिव आउटफिट, उनकी रिच लाइफस्टाइल सबको दिखती है। तो जिन पेरेंट्स के लिए रैपिंग एक फाइनेंशियली सक्सेसफुल करियर चॉइस नहीं था, एमसी स्टैन के रिच लाइफस्टाइल को देखकर उनका माइंडसेट चेंज होगा। चाहे हसल 2.0 की सक्सेस हो, द कपिल शर्मा शो में सारे रैपर्स को इनविटेशन हो, या फिर नाउ एमसी स्टैन इन बिग बॉस, इससे साफ दिखता है कि शो मेकर्स कैन नाउ अंडरस्टैंड द पोटेंशियल ऑफ हिप हॉप इन नेशनल लेवल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। एमसी स्टैन की फ्रेशली गेन फैन फॉलोइंग को देखकर और भी शो मेकर्स अपने शो में न्यू एज पॉपुलर रैपर्स को इंक्लूड करना चाहेंगे, विच इज अ विन फॉर इंडियन हिप हॉप। स्टैन इज एन एपिटोम ऑफ नेशनली सक्सेसफुल आर्टिस्ट विद रीजनल क्वालिटीज। स्टैन नेशनल टीवी पर भी अपने स्लैंग और अपने डायलेक्ट में बात करता है, जिससे वो व्यूअर्स के सबकॉन्शियस माइंड में रीजनल बैरियर्स को ब्रेक कर रहा है। दिस जनरेट्स अ होप अमंग ऑल द रीजनल रैपर्स एंड आर्टिस्ट। जब एमसी स्टैन अपने लोकल स्लैंग में बात कर नेशनल लेवल पे सक्सेसफुल हो सकता है, सो अ रैपर फ्रॉम कोलकाता, हैदराबाद, बिहार, कहीं का भी अपने लोकल स्लैंग को लेके आगे बढ़ सकता है, क्योंकि स्टैन ने प्रूव कर दिया कि जनता पहले बंदे की जेन्युइननेस उसकी स्टोरी से रिलेट करती है और रीजनल बैरियर्स को बाद में आने देती है। सो ये थे वो बेनिफिट जो एमसी स्टैन के बिग बॉस में जाने से हुए हैं। बट फायदों के साथ क्रिटिसिज्म भी आता है, लेट्स डिस्कस देम। देखो स्टैन एक न्यू स्कूल रैपर है, तो ये भी हो सकता है कि जो नई जनता स्टैन की वजह से हिप हॉप सुन रही है वो न्यू स्कूल के अलावा कोई और टाइप का हिप हॉप रैप सॉन्ग सुने ही ना। कई लोग ये भी कह के क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये जो स्टैन के न्यू फॉलोअर्स आए हैं ये बिग बॉस के खत्म होते ही स्टैन के गाने सुनना बंद कर देंगे। स्टैन के मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स के लिरिक्स 18 प्लस है, सो ये बहुत इजीली बच्चों को नेगेटिव इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ऑल्सो न्यू हिप हॉप लिसनर्स के मन में ये हिप हॉप के एक स्टीरियोटिपिकल इमेज बना सकता है। अगर इसे हिप हॉप कहते हैं तो भाई इंडिया में मत लेके आए इसे। ओके, सो इन सबसे कंक्लूजन क्या निकल रहा है? देखो एमसी स्टैन का बिग बॉस में जाना किसी को नेगेटिव लग रहा है, किसी को पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन द रियलिटी इज कि इससे इंडियन हिप हॉप को बहुत सारी अटेंशन मिल रही है। इससे बिग बॉस के हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ न्यू व्यूअर्स हिप हॉप को एक्सप्लोर करने के लिए ट्रिगर हो रहे हैं। कुछ लोग इंडियन हिप हॉप के डेप्थ में जाएंगे, कुछ लोग ऊपर ऊपर भी एक्सप्लोर करके छोड़ देंगे, लेकिन द रियलिटी इज कि इससे ये प्रूव होता है कि व्यूअर्स के मन में हिप हॉप को लेकर एक फोमो तो क्रिएट
क्रिएट हो रहा है। सो देयर इज नो डाउट कि एमसी स्टैन बिग बॉस में जाने से इंडियन हिप हॉप के ऊपर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा है। फाइनली फ्यू वर्ड फॉर स्टैन। देखो मैंने स्टैन की वजह से इस साल का बिग बॉस बहुत क्लोजली देखा जो मैंने पिछले 10-12 साल में कभी नहीं देखा था। एमसी स्टैन का सोशल मीडिया प्रेजेंस देखो बहुत कम है, वो ट्वीट नहीं करता, पोस्ट नहीं डालता, कुछ नहीं करता। जब कोई गाना आता है खाली तभी वो स्टोरीज डालता है एंड दैट्स इट। तो मेरे मन में एमसी स्टैन की जो इमेज थी वो बहुत ज्यादा रेबेल यंग टैलेंटेड आर्टिस्ट की थी। लेकिन मैंने जितना ज्यादा एमसी स्टैन को देखा मुझे लगा कि भाई आदमी अपनी एज में कितना ज्यादा मैच्योर है। उसकी जितनी भी फाइट्स हुई है विद शिव, शालीन, अर्चना, ही वाज द फर्स्ट गाय जिसने अपनी गलती को एक्सेप्ट करा एंड बहुत ज्यादा मैच्योरली बिहेव करा। तो भाई एक चीज तो है कि बाकी कोई बदलाव हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन जिन लोगों ने बिग बॉस को क्लोजली फॉलो करा है उनके मन में एमसी स्टैन के लिए एक पॉजिटिव इमेज तो क्रिएट हुई ही हुई है। राइट गाइस, आई होप अब तुमको ये क्लियर हो गया होगा कि एमसी स्टैन के बिग बॉस में जाने से उनके करियर एंड इंडियन हिप हॉप के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा है। जो मुझे नहीं जानते, माय नेम इज ऑफ्रीक एंड आई एम नॉट जस्ट अ रिएक्शन चैनल बट आई आल्सो मेक एनालिसिस काइंड ऑफ वीडियो रिलेटेड टू दिस हिप हॉप। सो अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करो, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करो एंड कमेंट में अपना ओपिनियन अबाउट एमसी स्टैन एंड बिग बॉस जरूर बोलो। एंड यू नो मैन कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, आईडी का नाम है @TheRainAfreak9। प्लीज ओके, वीडियो बहुत 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 अच्छी थी, बहुत अच्छा रिसर्च किया है, बहुत ज़्यादा डिटेल्स निकाले हैं, बहुत मेहनत लगी होगी डेफिनेटली, ठीक है। एंड क्या बोल सकती हूँ, एमसी स्टैन के लिए नो वर्ड्स, इतना ही बोल सकती हूँ। और वो जो वाइब है वो अपनेपन की वाइब है, जो है जिस तरीके की, जैसा बोला गया कि लैंग्वेज जो बोलते हैं वो इतनी फनी है और एक अपनापन छलकता है उसके अंदर, ठीक है, इसलिए लोग ज़्यादा अटैच होते हैं उसके साथ में। और डेफिनेटली, और मैं उनमें से जिनको पसंद आया थम्स अप वाला, जैसे इसमें भी बोल रहा था ये बीच में कि कई लोग को पसंद नहीं आया बिग बॉस में उसका आना, कई लोग को पसंद आया, तो मैं उनमें से हूँ कि हाँ मुझे पसंद आया, ठीक है। एंड क्या बोलूँ मैं, बस वीडियो खत्म करने का टाइम हो गया क्योंकि मुझे ज़्यादा लंबी वीडियो करनी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। और बस इतनी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को भी उतना ही पसंद आया है वीडियो जितना मुझे बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा, ठीक है, अगर आप लोगों को भी लगा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में एंड एमसी स्टैन के फैंस के साथ में भी। एंड दूसरी चीज़ ये कि मुझे यहाँ तक देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड नोटिफिकेशन ऑल पे रखना है, ठीक है। और मुझे यहाँ तक देखने के लिए रियली थैंक यू सो मच गाइस। तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक उसका ख्याल रखें, खुश रहें एंड थैंक यू, टाटा, बाय बाय। Flies, 'cause there's so many things left to